हेलो दोस्तों, वेलकम माय न्यू वीडियो। तो गाइस, हमारे पास एक कमेंट आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, अगर आप इस चीट कोड को डायल करोगे तो आपके सामने एक दूसरी ट्रेन आ जाएगी। तो वो क्या चीट कोड है, इसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना होगा, क्योंकि इस कमेंट को मैं सबसे लास्ट में ट्राई करने वाला हूँ। तो चलिए, पहले तो हम देख लेते हैं कुछ ऐसे मिथ जो आपने हमें कॉमेंट किए हैं। तो पहला कमेंट है कि कैरेक्टर के शरीर पर स्टिकी बॉम्ब लगाकर फिर हॉर्स को स्पॉन कर उस पर बैठ जाओ, फिर देखो क्या होता है। तो हमें इसे करने के लिए पहले वो क्लिच करना होगा। तो हमने उस क्लिच का यूज करके कैरेक्टर के शरीर पर स्टिकी बॉम्बों को लगा लिया है। तो चलिए अब हॉर्स को स्पॉन करते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं। हॉर्स हमारे सामने स्पॉन हो चुका है, तो चलिए इस पर बैठ जाते हैं। और गाइस, जैसे ही मैंने बैठने वाला ऑप्शन दबाया, ये मेरे साथ क्या हुआ, और मैं किसी भी बटन को टच नहीं कर रहा हूँ, ये खुद ही चल रहा है। तो चलिए इस मिथ को फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो हॉर्स के ऊपर फिर से बैठ जाते हैं और गाइस, बैठने के बाद वही सब कुछ हमारे साथ हुआ। और जो हॉर्स है वो किस तरीके से चल रहा है, मैं किसी भी बटन को प्रेस नहीं किया हूँ तब भी ये चल रहा है। तो ये मिथ हमारा रियल है। तो हमारा अगला कमेंट है कि 4x9 डायल करके फिर प्लेन के साथ उसे अटैच करो, फिर देखो मैजिक। हमने दोनों व्हीकल्स को स्पॉन कर लिया है। तो चलिए इन दोनों के बीच चलते हैं और दोनों को एक साथ कंट्रोल करते हैं। दोनों का ऑप्शन आ चुका है, तो चलिए प्रेस कर देते हैं। और प्रेस करने के बाद मैं तो बुलेट पे बैठ गया। और गाइस यार, किस तरीके से बैठा देखो गाइस। तो गाइस, हमारा जो कैरेक्टर है इस बार कुछ अलग ही तरीके से बैठा है। तो ये मिथ रियल है। अगला कॉमेंट है कि अगर आप डॉग के ऊपर स्टिकी बॉम्ब लगाकर उसे एक्टिवेट करोगे तो डॉग नहीं मरेगा। इसे ट्राई करके देखते हैं। तो पहले हम डॉग को स्पॉन कर लेते हैं। हमारे सामने डॉग स्पॉन हो चुका है, तो चलिए इस पर स्टिकी बॉम्ब लगा लेते हैं। हमने 4 स्टिकी बॉम्बों को डॉग पर लगा लिया है, तो चलिए इसे एक्टिवेट करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने स्टिकी बॉम्ब को एक्टिव किया, तो जो हमारा डॉग है वो अभी भी जिंदा है, इसका मतलब ये नहीं मरा। तो ये मिथ रियल है। अगला कमेंट है कि थार को बीच के पानी में लेके जाओ और उतर जाओ, फिर से उसमें बैठकर फिर बाहर आ जाओ और फिर से उतर जाओ, फिर आप फ्लाइंग मैन बन जाओगे। तो इस मिथ को तो हम ट्राई कर चुके हैं, लेकिन हमने बाइक के साथ ट्राई किया है, अभी तक थार के साथ हमने ट्राई नहीं किया है। तो चलिए इसे थार के साथ भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो थार को आप पानी के अंदर लेके जाते हैं और फिर उतर जाते हैं, फिर से थार के अंदर बैठ के फिर थार को बाहर लाके फिर से उतर जाते हैं, तो हम फ्लाइंग मैन बन सकते हैं, ऐसा कमेंट में लिखा हुआ था। तो हम थार से बाहर निकल चुके हैं और फिर से थार पर बैठ जाते हैं और फिर थार को बाहर निकालते हैं, तो हम फिर से थार के अंदर बैठ चुके हैं। तो चलिए इस थार को बाहर लेके चलते हैं। लेकिन ये बंदा हमारा किस स्टाइल से बैठा है देखियो गाइस। मतलब यार, इस तरीके से तो कभी हमारी थार के अंदर ये बंदा नहीं बैठता है, बिल्कुल बीच में बैठा है, सीटों के बीच में बैठा है, देखो गाइस। तो अब थार से बाहर आके देखते हैं और देखते हैं कि हम सच में फ्लाइंग मैन बने। तो गाइस, हम बाहर आ चुके हैं। और गाइस यार, जो मिथ है वो अप्लाई हो चुका है बिल्कुल, ये हमने बाइक के साथ किया था और ये थार के साथ भी हो गया। तो चलो चेक करते हैं कि हम पानी के ऊपर भी तैर सकते हैं। लेकिन गाइस यार, पानी के अंदर जाने से तो हम नॉर्मल हो गए, बट ये मिथ रियल है। अगला कमेंट है कि हम मून ग्रेविटी को ऑन करके ट्रक को अगर किसी भी रैम से कुदाएंगे तो ट्रक फ्लाई करने लगेगा। तो चलिए फटाफट इसे भी ट्राई करके देख ही लेते हैं। हमने रैम पर ट्रक को स्पॉन कर लिया है, तो चलिए इस रैम से इस ट्रक को जंप करा देते हैं और फिर चेक करते हैं क्या सच में ये ट्रक फ्लाई करने लगेगा। तो अब जंप होने ही वाला है हमारा ट्रक। तो गाइस, जो हमारा ट्रक है वो जंप हो गया और गाइस, जो हमारा ट्रक है वो फ्लाई करने लगा। तो यार, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे फ्लाई कराते हुए ट्रक को। तो ये मिथ भी रियल है। तो चलिए अब ट्राई कर लेते हैं हमारा सबसे स्टार्टिंग वाला मिथ, जिसमें लिखा हुआ था कि ये चीट कोड डायल करो न्यू ट्रेन आ जाएगी। तो वो कौन सा चीट कोड है? तो गाइस, वो चीट कोड है 1112। तो चलिए अपने फोन में डायल करते हैं 1112 और देखते हैं कि न्यू ट्रेन आती है या नहीं। हमने अपने फोन में डायल कर लिया है और डायल करने के बाद गाइस, हमारे सामने तो न्यू ट्रेन आ गई, ये देखो गाइस। और हमारे फोन में इसे ड्राइव करने का भी ऑप्शन आ चुका है, तो हम इस ट्रेन को ड्राइव भी कर सकते हैं। तो गाइस यार, आज तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज तो हमने आपको ट्रेन का ही चीट कोड दे दिया। तो फिर चलिए गाइस, मिलते हैं कोई नई वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।